नमस्कार, मैं डॉक्टर डीपी सिंह। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 2 पर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। जनवरी 2020 के सभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स का मैं इस इंडक्शन प्लेटफॉर्म यानी कि परिचय सत्र में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे आमतौर पर इग्नू सिस्टम में इंडक्शन मीटिंग फेस टू फेस मोड में स्टडी सेंटर्स यानी अध्ययन केंद्रों पर आयोजित होते हैं, पर जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जबकि पूरे देश में कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में फेस टू फेस इंटरेक्शन संभव नहीं है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित हैं और इस लॉकडाउन पीरियड का पालन और सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में यह समय आप अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर भागदौड़ की इस जिंदगी से हम कुछ हद तक इस समय फ्री हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ आपसे स्टडी मटेरियल के बारे में बात करनी है। आमतौर पर हर विद्यार्थी का एडमिशन के बाद सबसे पहला सवाल स्टडी मटेरियल को लेकर ही होता है कि यह हमें कब मिलेगा और कहां से मिलेगा इत्यादि। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः एडमिशन कंफर्मेशन के बाद स्टडी मटेरियल हर विद्यार्थी के पते पर पोस्ट कर दिया जाता है। यह पता वही होता है जो आप अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में भरते हैं। मटेरियल डिस्पैच स्टेटस भी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है, जिसे आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस के वेब लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन पीरियड है तो स्टडी मटेरियल बाई पोस्ट भेज पाने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज भी लॉकडाउन की वजह से बाधित है। लॉकडाउन के खत्म होते ही स्टडी मटेरियल डिस्पैच वापस शुरू हो जाएगा, फिर भी इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। आप में से बहुत से विद्यार्थियों को शायद स्टडी मटेरियल मिल भी चुका होगा, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं भी मिला होगा। ऐसे समय में कुछ विकल्प यानी ऑप्शंस विश्वविद्यालय की तरफ से आपके लिए उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग आप अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे प्रोग्राम गाइड के विषय में बात करूंगा। आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन कराया है, लगभग उन सभी प्रोग्राम्स की प्रोग्राम गाइड इग्नू के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इग्नू का वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इस वेबसाइट के सर्च फैसिलिटी में जाकर आप अपना प्रोग्राम एवं प्रोग्राम गाइड टाइप करेंगे तो प्रोग्राम गाइड का वेब लिंक खुल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले आप प्रोग्राम गाइड को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि इसमें इग्नू आपके अध्ययन से संबंधित इग्नू के सारे नियम कानून दिए हुए हैं। स्टडी मटेरियल भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसे अपने डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर या स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे ई ज्ञान कोश के बारे में। यह इग्नू की एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, जिस पर लगभग सभी प्रोग्राम्स के स्टडी मटेरियल्स की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। आप यहां से स्टडी मटेरियल अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे पढ़ सकते हैं। ई ज्ञान कोश की वेब लिंक इग्नू के मेन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसी ई ज्ञान कोश की रिपोजिटरी को मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। इग्नू का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल ऐप इग्नू ई कंटेंट के नाम से गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। इस ऐप को आप अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करके इस ऐप की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। अब हम आपको ई ज्ञान कोश और प्रोग्राम गाइड से रिलेटेड लिंक की तरफ ले चलते हैं। अब हम लोग इग्नू के मेन वेबसाइट पे हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने MAH प्रोग्राम गाइड टाइप किया हुआ है। अब आप हम इसको जो है सर्च करेंगे तो MAH की प्रोग्राम गाइड
इमेज प्रोग्राम दिख रहा है आपको, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर प्रोग्राम गाइड दिखा रहा है। तो जब आप इसको जो है सर्च करेंगे तो प्रोग्राम गाइड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोग्राम गाइड पे जा सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि ई ज्ञान कोश का भी लिंक इग्नू के मेन वेबसाइट पे है। आप देख रहे हैं कि ये ई ज्ञान कोश का लिंक अवेलेबल है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर ई ज्ञान कोश का साइट खुल जाएगा और जो भी आपको सर्च करना है अपने अध्ययन सामग्री से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर आपको अवेलेबल है। इग्नू का बहुत सारा यूट्यूब वीडियोज भी यहां आप देख रहे हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारा स्टडी लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है। बस आपको रूल्स फॉलो करना है, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आप जो है इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, अभी तक मैंने आपको जो है ई ज्ञान कोर्स और स्टडी मटेरियल प्रोग्राम गाइड इस सब के बारे में बताया है और प्लस जो है इग्नू के ऐप के विषय में भी मैं बात कर चुका हूं कि किस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब तीसरी बात, लगभग हर स्टडी मटेरियल के अंदर एडिशनल रीडिंग्स की एक लिस्ट दी रहती है, आप चाहें तो इस लिस्ट के माध्यम से आप ऑनलाइन रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से और उसके उपयोग से हम इस लॉकडाउन पीरियड को भी काफी प्रोडक्टिव और यूजफुल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में दी हुई जानकारियों का पूरा पूरा फायदा लेंगे और अपने एकेडमिक परस्यूट को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्टे सेफ, स्टे होम, धन्यवाद।